देश भर में कोरोना संकट के चलते 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया जा रहा है। ऐसे ही गुरुवार को उत्तर प्रदेश में भी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किया जा चुका है। परीक्षाओं के रद्द करने का फैसला कोरोना संकट के चलते लिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोरोना पर बनाई गई टीम 9 द्वारा परीक्षाओं को कैंसिल करने का फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में डिप्टी सीएम और माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा भी शामिल थे, लेकिन हालांकि शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम इस टीम का हिस्सा नहीं है, फिर भी बोर्ड की चर्चाओं के लिए इन्हें शामिल किया गया था। सूत्रों के अनुसार यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं के लिए लगभग 26 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। सवाल अब 12वीं के बच्चों के रिजल्ट का है कि किस प्रकार स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बच्चों को प्री बोर्ड और 11वीं के रिजल्ट के आधार पर पास किया जाना है। अगर प्री बोर्ड एग्जाम बच्चे द्वारा नहीं दिए गए हैं तो 11वीं और 10वीं के एग्जाम के आधार पर छात्र को प्रमोट किया जाएगा। बता दें कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 10वीं के बच्चों को भी अंक बांटे गए हैं। इस प्रकार 12वीं के बच्चों को अंक दिए जाएंगे। हालांकि CBSE द्वारा भी जल्द रिजल्ट के लिए कोई क्राइटेरिया तैयार किया जा सकता है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया भर की बड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।